हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास G5 एंड्रॉयड कार प्लेयर है जो कि एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है। इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे कि G5 एंड्रॉयड कार प्लेयर में हमें डोर की सेटिंग कैसे करते हैं, मतलब जो डोर इन्फॉर्मेशन की सेटिंग होती है अगर वो हमारा प्रॉपर वर्किंग में ना हो तो उसको कैसे सेट करते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम अपने गाड़ी में ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं तो जैसे ही हम विंडो ओपन कर रहे हैं ड्राइवर साइड से, तो जो उसका इंफॉर्मेशन है वो हमारा डिस्प्ले पे शो करता है, जो हमारा एंड्रॉयड प्लेयर है उसके डिस्प्ले पे शो करता है कि हमारा किस साइड का डोर ओपन है। ठीक है, अगर हम ओपन कर रहे हैं डोर ड्राइवर साइड से और शो कर रहा है अपोजिट में या पीछे का साइड ओपन हो रहा है डिस्प्ले पे, तो इसको कैसे फिक्स करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम को, ठीक है आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा माई कार है इसको ओपन करेंगे, माई कार, उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करेंगे, देन डोर विंडो सेटिंग, माई कार, उसके बाद सेटिंग, फिर डोर विंडो सेटिंग, देन नीचे से सेकेंड हमारा है एफ डोर एक्सचेंज, इस पर हम इसको इनेबल कर देंगे। ठीक है, अभी हमारी ये डिसेबल, इसको हम इनेबल कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे देन कन्फर्म कर देंगे। ठीक है, डोर विंडो सेटिंग में क्लिक करके हमें नीचे से सेकंड है एफ डोर एक्सचेंज, इसको हमें ओके करके कंफर्म कर देना है। उसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। अगर हम जिस साइड का हम डोर ओपन करेंगे उस साइड का हमें डोर डिस्प्ले पे शो करेगा। फ्रेंड्स, बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि हम आपको लाइव ये हम सेटिंग करके दिखाएँ, बहुत जल्द हम इसका वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो इस तरीके वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।